हेलो गाइस, वेलकम टू मेहमान नवाजी सीजन 4। वेल, कौन है आज का हमारा होस्ट? ये टेलीविजन का वो सितारा है जिनके अमेजिंग से डांसिंग स्किल्स आपने हाल ही में देखे नच बलिए 9 में। ही इज अ म्यूजिक लवर हिमसेल्फ। गाइस, प्लीज वेलकम अनुज सचदेवा। हेलो अनुज, हाउ आर यू? ऑल गुड स्नेहा, वेलकम। थैंक यू। मेहमान नवाजी शो का नाम है अनुज, तो वी थॉट व्हाई नॉट यू नो काइंड ऑफ कम टू योर प्लेस एंड सी कि कैसी है आपकी मेहमान नवाजी। यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम नोन फॉर इट। एंड जो भी मेरे दोस्तों से बात करेंगे पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि मैं मेहमान नवाजी में बहुत ही एक्सट्रीम में जाता हूं। Really? So, I have OCD as well. बाकी की बातें हम उनसे करते हैं। आइए, प्लीज, मोस्ट वेलकम। वेलकम नेहा। थैंक यू सो मच अनुज। ब्यूटिफुली डन यार, ये हॉल एंटर करते ही यू नो मैं हमेशा कहती हूँ हर घर में जब आप एंटर करते हो देयर इज अ सेंस ऑफ पीस दैट यू ऑलवेज लुक फॉर। और जब आपके घर में हम आए तो वो यू नो वी कुड फील दैट वाइब। सो ब्यूटिफुली डन, द हॉल इज सो नाइस एंड सॉर्टेड। आप अकेले रहते हो यहाँ पर? मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, आई हैव हाउस हेल्प, द पर्सन टेक्स केयर ऑफ, मेरा ध्यान भी रखता है और खाने में भी बहुत मुझे मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस बात का क्योंकि पंजाबी हूँ, दिल्ली से हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि खाना मुझे वो पंजाबी खाना बहुत ज़रूरी है। सो आई हैव अ पर्सन हुज हियर जो मेरे साथ हमेशा 24 घंटे यहाँ पे होता है और वो भी दिल्ली से है। इट्स ईजियर टू टेल इन द टेस्ट कि क्या मुझे पसंद है। इस घर के इंटीरियर की स्टोरीज अलग से बहुत सारी हैं। हाँ। और जब मैं शिफ्ट हुआ था तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी। ये बंद था किचन एज एन यूजुअली हाउ इट इज़। और जिस दिन मैंने यू वुडंट बिलीव इट, मैंने जो इसको जिसको करना था, सो आई बिलीव अ लॉट इन कि खुद अपने हाथ से कुछ चीज़ें करूँ, खुद के इनपुट। हाँ, तो मेरे इनपुट ये थे कि ये जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि इसका एक्सपेंस कितना होगा, क्या होगा। बट इन द स्टार्ट मैंने इसको जब तोड़ने के लिए बोला उससे कि इसको तोड़ दो, ऐसे कर दो, तो मुझे सजेशन दे रहा था, नहीं ऐसे नहीं टूटेगा, आप ये ऐसे गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मुझे वो सजेशन दे रहा था जो जिसको मैंने काम किया था। तो इवेंचुअली मुझे इतना वो हुआ, मैंने उसे बोला अगर तुमने नहीं करना कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगा। तो ही वॉज डूइंग समथिंग एल्स, घर में काम कर रहा था और अभी मैंने शुरू करवाया था काम, कुछ 10 दिन हुए थे, तो मैं खुद अपने हाथ से हथौड़ियों की लेके तोड़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने इतनी दीवार तोड़ दी थी यहाँ से, और फिर इतनी रह गई थी यहाँ से यहाँ तक। तो फिर इवेंचुअली ही इज लाइक ठीक है मैं कर देता हूँ, आधा तो हो ही गया। उसने कहा आप नहीं मानोगे, जिद्दी हो, मैं कर देता हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब घर के अंदर आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो लुक जाती है वो इसी जो डिजाइन है उसके ऊपर। और या छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने रिसाइकिल बैग एक था उस रिसाइकिल को मैंने रिसाइकिल कर दिया, वहाँ पर कीज उसकी पॉकेट काट के उसको वहाँ नेल लगा दिया। ओ। और उसके ऊपर कीज लिख दिया कि यहाँ पर यू कैन पुट द कीज, आपको रखनी चाहिए बैग के अंदर रख सकते। अच्छा, ये जो सेंटर टेबल है हॉल में, हाँ जी, हर एक घर के जो सेंटर टेबल होता है उसके पीछे कहानी होती है, इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये टेबल, सिंस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि मैं मोनोटनी से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। तो सेंटर टेबल में इसकी सिर्फ यही खासियत मेन है कि ये टेबल में डिज़ाइन कुछ भी आप कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू मूव इट। आप इसको घुमा सकते हैं, आप इसको घुमा के सिंपल ये डिज़ाइन भी कर सकते हैं करना चाहें। यू कैन ट्राई एंड कीप इट, मेक इट लाइक मोर ऑफ लाइक, इसमें मल्टीपल डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत ही पसंद था, ये जैसे मोर लाइक ए बुकलेट, ओपन बुकलेट टाइप। ओ
ऑलराइट. अच्छा ये जो विंडो हम देख रहे हैं यहाँ से, ये जो व्यू है कितना एंजॉय करते हो आप? वेल मुंबई में दो ही चीज़ें हैं, यहाँ तो स्काई स्क्रेपर्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आपका व्यू है नहीं, या फिर वहाँ पर बस्ती है तो ओपन बस्ती एरिया है. लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि आपको ओपन व्यू मिलता है, एंड सिंस दिस इज़ वेस्ट साइड ओपन, तो मैं इस बात से खुश भी हूँ कि यहाँ पर स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स नहीं है, सब ओपन व्यू बिल्कुल ओपन है, कभी ब्लॉक नहीं है आपको, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल सीधा व्यू सामने आपके वहाँ का सी एरिया दूर से दिखता है. और बहुत ही खास होगी आई एम श्योर आपके लिए भी, क्योंकि पहला घर है आपका. तो बहुत कुछ मैंने किया है, और बहुत कुछ फनी है कि सिंस अब तो सब लोग जानते हैं कि मेरी एक्स वर्षी व्हेन वी वर टुगेदर, तो उस वक्त मैंने ये घर लिया था और मैं नया शिफ्ट होना था, तो मोस्टली वुडन वर्क जो है वो उनके ही मतलब टेस्ट का है. अच्छा. तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी कराने के लिए, सो शी हेल्प मी आउट, एंड तभी शायद द लुक आल्सो लुक्स मोर एनहांस. तो अकेले का काम नहीं है, एक आई वुड से कि एक स्पेशली मेन कांट डू दैट इंटीरियर, बट फिर भी मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, बाकी चीज़ें मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई हैं. और एक ओपन किचन के साथ मुझे ये शौक था कि एक दिश भी स्लैब जिसमें ओपन आप एक तरफ से बाहर भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ से आप उसको सेंसरली भी, मोर लाइक आई एम सिंगल सो बैचलर पार्टी के लिए या कुछ फ्रेंड्स घर पे आए, तो सब चीज़ें यहाँ पर हैं उस तरीके से मैनेज की हुई कि यू कैन ऑल्सो शिफ्ट, ये कुछ मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आई कैन जस्ट फ्रीली सिट हियर यू नो ईट, और एट द सेम टाइम दिस अ बार हियर जो साथ में यू कैन ओपन दिस, ये दोनों खुलते हैं. Oh. So, ये ओपन होने के बाद यू कैन यूज इट एज अ बार, एंड आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं ग्लासेस ऊपर, इसीलिए मैंने साथ में लगा दिए. तो मल्टीपर्पज़ करने की कोशिश की है क्योंकि मुंबई में जगह हमेशा कम होती है, सो इसलिए आई थॉट आई शुड प्लान इट अकॉर्डिंगली. तो जो मेरी जितनी मेरी सूझबूझ थी उससे मैंने इसे अच्छे से प्लान कर लिया. यानी इस हॉल में सब कुछ है, छोटी सी जगह तो नहीं कहेंगे, जो इतनी प्यारी सी जगह है उसमें सब कुछ है, राइट? एक और खास चीज़ है इसमें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा. हाँ, एक बहुत खास चीज़ है इस रूम के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है. मुझे एक चीज़ का बहुत शौक है, वो है मूवीज देखने का. तो इस हॉल में स्पेशली मैं ये भी, मुझे एक और चीज़ पसंद है जो है होममेड फूड, घर का खाना. तो ये दोनों की वजह से सिर्फ आप तो आप जानते ही हैं कि नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन सब लोग देखते हैं, शोज़ ऑनलाइन देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं और ट्रैफिक इतना होता है बाहर, यू नो लोग थोड़ा सा लेज़ी होते हैं, कभी लेट बैक प्लान करते हैं, चलिए बैठे हैं कुछ देखते हैं. तो इस हॉल में एक जगह पर मैंने अच्छा इन्वेस्ट किया है जो मेरा, मुझे शौक़ है जिसका, और फ्रेंड्स को बुला के मैं घर पर चलिए एक काम करते हैं, बात की क्यों कर रहे हैं, विल जस्ट सिट बैठ के मेरे सेक्शन में जहाँ पर हम ये प्लान करते हैं और देखते हैं कि क्या है. या श्योर व्हाई नॉट, आइए. सो ये सिटिंग सबसे पहले तो इज वेरी नाइस, आई लव्ड इट. इसके पीछे क्या कहानी है? वेल ये सिटिंग जो मैंने बनाया है ये भी दिल्ली से आया है स्पेशली. बहुत फर्नीचर ऐसा है जो मैंने मिक्स मैच करके दिल्ली से मंगवाया था क्योंकि मेरे फ्रेंड का खुद का काम है दिल्ली में, और मैंने उसे डिज़ाइन खुद बता के, खुद बना के ड्रॉ करके उसे बताया और तब उसे बनाया. सो ये कुशन्स उस हिसाब से बनाए गए थे कि इंडिविजुअली ऑल्सो दे लुक गुड, और तीन कलर जो हैं गोल्ड कॉपर और सिल्वर, ये तीन कलर में हैं, ये दो हैं, एक मेरा अंदर रूम में भी रखा है. कभी कोई, अभी ये दो लोगों के लिए ऐसे बनाया गया कि वी कैन सिट एंड वॉच समथिंग स्पेशल विच आई टोल्ड यू, कि यहाँ पर एक मैंने सेटअप करके रखा है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है जहाँ पर सारे रिमोट्स हैं, और ये कुछ भी आप जैसे कुछ कॉफ़ी कुछ पीना चाहें यू कैन ट्राई, यू डोंट हैव टू गेट अप, इट्स वेरी कंफर्टेबल. हाँ, सो दिस सेक्शन, ये वाला एक ऐसा सेक्शन है जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे सभी फ्रेंड्स को जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको बहुत पसंद है, उन्हें यहाँ पर आना बहुत पसंद आता है जिस पर्टिकुलर सेक्शन में बैठ के मूवीज देखने का, सिंस दैट्स अ सरप्राइज. सो आई हैव अ प्रोजेक्टर विच आई हैव गॉट विच इज़ 4K प्रोजेक्टर, और आई हैव अ होल सेटअप जो पूरा मैंने सेटअप सामने लगाया है, इसकी कैलकुलेशन पूरी सब चीज़ों को मिला के मैंने खुद मेजरमेंट करके सब चीज़ें खुद कराई हैं, द वायरिंग आई हैव ट्राइड टू डू कंसील करके, तो हर एक चीज़ के पीछे एक प्लानिंग हुई है जो की गई है. सो आई हैव अ ह्यूज प्रोजेक्टर
विच इज़ राइट ऑन द बॉल, पूरी बॉल को मैंने एक प्रोजेक्टर दिया है, देन आई हैव गिवन साथ में सराउंड सिस्टम जो यहाँ तक लगाया है, जी वायरिंग भी कंसील करके मैंने दी है. सो मुझे हर एक वायरिंग सब कुछ डिटेल में पता है, क्योंकि मोस्टली मेरे खुद के हाथ से हुआ है काम सब चीज़ों में. और मैंने एक एक सेक्शन पकड़ के इसको रेनोवेट किया है. और जैसे कि यू कैन सी ऑल द रिमोट्स जो भी यहाँ पर हैं, सो यू कैन वॉच इफ यू वांट टू वॉच. आई वांट टू, आई वुड लव टू. There's another section which I want to talk about, especially जो इसके पीछे है. Since I love to talk, I love to keep plants. मुझे plants बहुत पसंद हैं. और मैंने इसीलिए एक plant का setup बाहर एक छोटा सा लगाया है. Special thing is that कि जब भी कोई plants अपने घर पे रखता है, तो उसे हमेशा एक problem होती है कि वो पानी बार-बार कैसे दे. Maintenance is very difficult. जबकि plants को एक regular time पे पानी चाहिए होता है, वो कुछ नहीं है. और अगर बहुत ही ह्यूमिडिटी है तो पानी को थोड़ा सा कम करना पड़ता है. ये एक सेटअप होता है उनका, मतलब मेंटेनेंस यही होती है. अदरवाइज बहुत रेयरली इन अ मंथ यू वांट टू गिव एनी कुछ मेडिसिन स्प्रे या कुछ करना चाहें आप, तो वो कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू मेंटेन प्लांट्स. तो मुझे बहुत पसंद थे. और मुझे फेक प्लांट्स बिल्कुल पसंद नहीं है. लाइक इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग वाइब टू मी कि ये ज़बरदस्ती लगाए हैं. तो मैं समझ सकता हूँ कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए तो मैंने पूरा एक प्लांट का बाहर कारपेट लगा के वहाँ पर सेटअप किया है. और बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि उनको पानी देने में मुश्किल होती है, तो मैंने एक ड्रिप इरिगेशन गूगल किया था, चेक किया था. देयर इज अ वे टू गिव देम अ ड्रिप इरिगेशन, जिससे कि बूंद बाय बूंद उसमें पानी जा सकता है. okay. तो आपको खड़े होकर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास बहुत प्लांट है. सो जस्ट हैव टू कीप अ पाइपलाइन. हाँ, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन. और देयर इज अ डिवाइस यू फिक्स बिफोर दैट होल पाइपलाइन सिस्टम द इनलेट, जहाँ पर आप वो डिवाइस ऐसा है जिससे आप टाइम सेट करके कितने भी बार और कितने मिनट के लिए आप पानी देना चाहते हैं वो आप उसमें सेट कर सकते हैं. यू कैन ट्रैवल, आप ट्रैवल करो और आपको पानी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वो ऑटोमेटिकली उस वक्त उतने मिनट के लिए पानी देगा और उसके बाद पानी बंद कर देगा. दिस इज़ समथिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता था. थैंक यू सो मच अनुज. आई एम श्योर ऑडियंस भी ये जानकर बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा. बहुत लोगों को ये नहीं पता, पर ये एक तरीका है जिससे आप अपने घर में प्लांट्स रख सकते हैं और आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती. आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ पहले ही प्रॉब्लम होती थी. जब प्लांट्स होते थे तो किसी को बोल के जाना होता था कि वो आकर पानी डाल सकें, और मुझे वो डर रहता था कि प्लांट्स मरे ना, क्योंकि वो मुझे बहुत बुरा लगता था. सो फिर मैंने एक रास्ता ढूंढा, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है. तो मैंने ढूंढा रास्ता, आई ट्राई टू गूगल अबाउट इट कि कैसे कर सकते हैं. फिर मैंने उसके बाद ये सेटअप पूरा अपने हाथ से लगाया और उसे कनेक्शन दिए और बाहर से पूरा पाइपलाइन कनेक्शन दिया. सो देर आर टू मोर रूम्स जहाँ पर बाहर प्लांट्स हैं, और उनके और ये प्लांट्स जो हॉल में पीछे बाहर हैं उनके साथ वो सब कनेक्टेड है. द मोमेंट वो पानी ऑन होता है, इन सब में पानी ड्रिप बाई ड्रिप चला जाता है. And this the whole thing is not that expensive also. नहीं, इतना expensive नहीं है. You just can fix the pipeline. और hardly I think for 50 plants, 50 to 60 plants, the setup can just cost 5 to 6 thousand. Wow, fantastic. That was a lovely message, Anuj. I mean, I'm sure ये सुनकर शायद बहुत सारे लोग होंगे बॉम्बे में सब कुछ आपकी नज़रों के सामने हो. सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ. वाओ. तो फिर शुड वी गो अहेड एंड यू नो आई एम सो एक्साइटेड टू सी योर रूम. प्लीज, वहाँ पर कितनी कहानियाँ हैं. आइए चलिए अंदर चलते हैं. या वाइट फेवरेट कलर है आपका? वाइट फेवरेट कलर नहीं है, लेकिन रूम्स को बड़ा दिखाने के लिए, बिकॉज मुंबई में रूम्स छोटे होते हैं. To make it look more bigger, I think I put white everywhere. So, uske liye mujhe
सारी डिजाइनिंग इस हिसाब से स्टील एंड सिल्वर एंड वाइट मैच करके किया है, सो लुक मोर एलिगेंट। राइट, और मैंने ओपनिंग में भी कहा आपने कि आप म्यूजिक लवर हैं। म्यूजिक लवर यार, रिसेंटली आई स्टार्टेड दिस, मैंने गिटार बजाना सीखना शुरू किया है, सो हमेशा से कुछ एक इंस्ट्रूमेंट का मन करता था करूँ। उसके अलावा दिस वन ड्रम्स भी हैं। अच्छा, सो वो भी एक सीखने का मन था। तो ये कुछ चीज़ें एडिशनल विल कीप डूइंग इट, क्योंकि एज एन एक्टर व्हेन यू आर वर्किंग, कई बार आप फ्री होते हैं बीच में, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत बिजी होते हैं, जब आप फ्री होते हैं तो फिर एक साथ साथ कुछ सीखना जरूरी है, तो कुछ ना कुछ मैं पकड़ते रहता हूँ ऐसे। यानी इस घर को डिजाइन करने के अलावा म्यूजिक इससे और होती है। हाँ, कुछ गिटार बजाने का शौक है मुझे। ओके, वैसे कुकिंग में कितना इंटरेस्ट रखते हो? कुकिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि मैं उसकी भी एक अलग कहानी है। वो ये है कि जब मुंबई में पहली बार नया शिफ्ट हुआ था, तो मानसून तो यहाँ हमेशा से जाना गया है, उस मानसून में काम कम होता था, क्योंकि मानसून में वैसे काम इतना होता नहीं है मुंबई में। तो उस वक्त मैंने सोचा कि उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया और वी यूज़ टू टॉक ऑन द फ़ोन, और मैं उनको उनसे पूछा कि क्योंकि माय मदर इज़ अ वेरी गुड कुक, माँ के हाथ का खाना तो मिस करता ही था जब मैं आया था। सो फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई यूटिलाइज दिस टाइम, और उस वक्त मॉम से पूछ पूछ के मैंने खाना बनाना शुरू किया, और अब मुझे कुकिंग आती है, इंडियन वेजिटेरियन फूड आई कैन कुक, वेजिटेरियन, तो दैट आई कैन डू फॉर नाउ। या मैं कुछ और भी दिखा सकता हूँ खाने में, एटलीस्ट अगर खाना नहीं बना सकता उतना टाइम नहीं है, तो आई कैन मेक वन प्रोटीन शेक। लवली, वाई नॉट। अच्छा, किचन में जाने से पहले एक चीज़ मुझे जाननी है, क्या ये मिरर हर एक एक्टर के घर में? मिरर हर एक एक्टर के घर में मिलेगा आपको, और स्पेशली मिरर के साथ लाइट्स भी मिलेंगी। तो ये तो स्पेशली जाना गया है इसलिए कि हमेशा लाइट्स आसपास होनी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा एक्टर का घर है। मिरर मैंने बहुत सी जगह पर लगाया है, दोनों रूम्स में मिरर है, बाहर रूम, बाहर मिरर है, वॉशरूम में एक पूरी वॉल मिरर है। ओके, तो मिरर तो सब जगह चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट। तो आप देखते हैं अनुज के कुकिंग स्किल्स, चलिए देखते हैं। I'll get you some protein shake जिसमें काजू बादाम सब मिक्स होगा, लेट्स ट्राई। चलिए, ओके, अभी बातें बहुत हो गई। हाँ, अब कुछ बनाने का शुरू करते हैं। आई विल मेक समथिंग जो वेल सबको पता है इस बारे में, पीनट बटर बिना शक्कर के, बिना शुगर, प्रोटीन शेक जो हर कोई पसंद करेगा, जिसको हेल्थ कॉन्शियस होगा, और आजकल सब प्रोटीन खाने में बहुत खुश होते हैं। बट लेकिन शुगर लोग अगर अवॉइड करें, उसका एक तरीका है जिससे कि उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं या किसी चीज़ से उसको मिटा दिया जाए, उसको फ्लेवर भी दे सकते हैं, और एट द सेम टाइम वो शुगर भी नहीं होती उसमें, और यू कैन ऐड हनी टू इट, हनी कैन बी वन हेल्दी थिंग विच इज़ स्वीट। तो मैं बनाता हूँ आपके सामने, सब चीज़ें रखी हैं, चलिए ओके लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सब चीज़ें पड़ी हैं, प्रोटीन पड़ा है और वे प्रोटीन मैंने रखा है जो वेजिटेरियन है। एट द सेम टाइम मैंने आमंड मिल्क यूज़ किया है, वो नॉर्मल मिल्क से ज़्यादा हेल्दी होता है। देन वी हैव हनी, जैसा कि मैंने कहा था कि शहद कुड बी ए गुड ऑल्टरनेटिव टू मीठा अगर आपको चाहिए हो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और पीनट बटर जो कि अनस्वीटनड है, इसके अंदर शुगर नहीं है। नॉर्मली पीनट के अंदर शुगर होती है, तो ऑलवेज फाइंड सम पीनट जहाँ पर पीनट बटर जहाँ पर जो अनस्वीटनड हो, जिसमें शुगर ना हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थोड़े से काजू टू मेक इट मोर हेल्दी एंड गिव इट लिटिल फ्लेवर। एट द सेम टाइम आई ऐड कोकोआ, यू कैन ऐड कॉफ़ी ऑल्सो इन केस यू डोंट हैव कोकोआ। ये इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर एक टिंच ऑफ फ्लेवर आ जाएगा अदर देन जस्ट द पीनट बटर। पीनट बटर थोड़ा सा ब्लैंड होता है, बट थोड़ा सा फ्लेवर रहता है उसका। यू कैन ऑल्सो ऐड सम वनीला टू इट इफ़ यू वॉन्ट, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, या फिर कोकोआ डाल सकते हैं। आई प्रेफर टू हैव कोकोआ क्योंकि मुझे चॉकलेट्स पसंद है, और कॉफ़ी भी डाल सकते हैं अगर इन केस यू प्रेफर टू ऐड सम कॉफ़ी टू द पीनट बटर, बट प्रेफरेबली कोकोआ और वनीला एसेंस वुड बी गुड। तो शुरू करते हैं, थोड़ी सी बर्फ भी रखता हूँ इसके अंदर मैं साथ में, ताकि वो थोड़ा सा थिन हो जाए, सिंस यू ऐड सो मच टू इट। ये तकरीबन आधे ग्लास का मैं इसमें डाल देता हूँ आमंड मिल्क, और आमंड मिल्क डालने के बाद मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट
पीनट बटर डालूंगा, पीनट बटर जो कि अनस्वीटन है, जिसमें शुगर नहीं है। ये आप लगभग 2 चम्मच तक डाल सकते हैं। और पीनट बटर का ये बेस्ट होता है कि लोग कहते हैं इसमें फैट होता है, बट ये वो फैट है जो बॉडी को चाहिए होता है और अच्छा होता है। हेल्दी फैट सैचुरेटेड होता है, लेकिन इट्स अ गुड फैट जो आपको नुकसान नहीं करेगा। और फिर वी कैन पुट सम लिटिल मीठा विच इज हेल्दी मीठा, से अबाउट 1 स्कूप ऑफ हनी, हाफ स्कूप ऑफ हनी, सो इट्स गुड इनफ मीठा करने के लिए। और हनी कभी भी खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। देन आई कैन ऐड सम प्रोटीन टू इट, एक स्कूप प्रोटीन का, और प्रोटीन बिना फ्लेवर के भी चल सकता है। दिस इज चॉकलेट फ्लेवर, बट बिना फ्लेवर के भी आप कर सकते हैं। अभी आई डोंट नो कौन सा प्रोटीन, मिल्क चॉकलेट, हाँ, अ लिटिल कोकोआ इफ यू वांट टू ऐड, अदरवाइज अगर आपके प्रोटीन में ही फ्लेवर है देन यू डोंट नीड इट। कोकोआ वुड बी समथिंग विच नॉर्मली चॉकलेट्स में यूज़ होता है, कॉफ़ी में यूज़ होता है, और ये थोड़ा सा भी चल सकता है, लाइक यू जस्ट कैन गिव अ टिंच टू इट, या बाद में भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांटेड एंड यू कैन ब्लेंड इट अगेन। और जस्ट टू मेक इट लिटिल थिन, क्योंकि बहुत थिक हो सकता है प्रोटीन डालने के बाद। यू कैन ऑल्सो ऐड सम आइस टू इट, और थोड़ा सा स्टे कर दें इसको, डाल दें जस्ट सो दैट कि चिपका ना रहे आप उसमें, बिकॉज पीनट बटर यूजली इज़ वेरी स्टिकी, प्रोटीन भी ड्राई में। मुझे तो ये आप कभी भी पिला सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये, नहीं तो फ्रेश ऑरेंज जूस जो मैं, बाकी और भी चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो जल्दी बन सके और जो इतना हेल्दी भी हो। एक्चुअली देर इज डिफरेंस बिटवीन आमंड मिल्क और नॉर्मल जो आप दूध पीते हैं, वो ये कि जो नॉर्मल मिल्क आपको यूजुअली ट्रबल करता है, बहुत से लोगों को ये आज तक पता ही नहीं है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है और अगर उनको है या नहीं है। सो वेरी शॉकिंग थिंग इज़ कि लैक्टोज इंटॉलरेंस तकरीबन 50-60% लोगों को हर जगह होती है, बट उनको कभी पता नहीं लगता, क्योंकि हमेशा से हमें सिखाया जाता है कि दूध पीना चाहिए और दूध से आपकी सेहत बनती है, लेकिन कभी हमें नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी लोगों ने बताई हैं, मदर ने ग्रैंड मदर आगे सीखते हुए वो आए हैं पुराने इतने सालों से, बट अब थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ने पे पता लगता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर आजकल खाना भी थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, पहले बहुत देसी खाना होता था, अब एडल्ट्रेटेड भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अनस्वीटेड ना हो। कहीं ऐसे खाने जो बाहर हम खाते हैं उसमें शुगर बहुत होती है, हमें नहीं पता होता, कहीं पर जूस आप बाहर पीते हैं सो फ्रेश जूस के नाम पे उसमें शुगर मिला होता है। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग्स टू हैव इट एट होम, तो इसीलिए मैं घर पे बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। राइट, ऑन दैट नोट चीयर्स। वाओ, दिस इज हेल्दी एंड टेस्टी। या अगर डिपेंड करता है, अगर आपको पीनट क्योंकि नॉर्मली स्वीट नहीं होता, अनस्वीटन लिया है, तो आप हनी डाल सकते हैं। बट आई थिंक हाँ, द रेस्ट ऑफ द फ्लेवर्स दे वर्क। चलिए अनुज, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की आपने हमारी, इतना टाइम दिया, इतना प्यारा सा घर दिखाया जिसकी हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर यू, इट इज़ फ्रॉम क्यूटेस्ट सैलून। थैंक यू सो मच। आई मेक श्योर टू गो एंड विजिट क्यूटेस्ट क्लिनिक। ओके, इट्स 3 places are very bad. Yeah. Don, thank you so much. Thank you. That's great. Thank you.